हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस लेक्चर्स पे। मैं राहुल सिंह अपने यूट्यूब चैनल आरएस लेक्चर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि कापर का मानक अपचयन विभव प्लस का 0.34 वोल्ट है। यदि कापर धातु 0.1 मोल Cu2+ के संपर्क में हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। दोस्तों, यहां पे हमको इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है, तो पहला कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। और दोस्तों, यहां पे दिया है कि यदि Cu2+ की सांद्रता में परिवर्तन यानी परिवर्तित की जाती है, यानी कि इसकी सांद्रता परिवर्तित की जाएगी तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमको दिया है कि Cu यानी कि कॉपर का मानक अपचयन विभव। तो दोस्तों, मानक अपचयन विभव यानी कि हमको दिया है E नॉट सेल। E नॉट सेल का हमको मान दिया गया है कि प्लस का 0.34 वोल्ट। अब दोस्तों, यहां पर दिया है कि Cu धातु जो है ना, कॉपर जो धातु है वो हो रहा है Cu पे 2+1 मोलर विलयन में, यानी कि अगर इसको विलयन में हमने डाला, जैसे हमने Cu को क्या किया, अगर किसी विलयन में डालेंगे तो ये क्या कर रहा है ना कि Cu पे जो 2+ है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद बना रहा है हमारा क्या, Cu सॉलिड। ये तो पहले हमारा एक्वस में है, ये हमारा क्या है, पहले तो एक्वस में है, फिर हमारा क्या बना रहा है, सॉलिड। अब दोस्तों, क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले कि Cu का मानक यानी कॉपर का मानक अपचयन विभव है प्लस का 0.34 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कॉपर जो है धातु 0.1 मोलर में क्या कर रहा है, 2+ के संपर्क में हो तो इसका ज्ञात करना है इलेक्ट्रोड विभव। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सेल विभव का मान दिया है, मानक सेल विभव का, और ये हमारा कितना है, 0.34 वोल्ट। अब हमको कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉपर जो है ना, पहले तो 2+ बना कि ये एक्वस में है, और ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बना रहा है यहाँ पे कॉपर सॉलिड। अब दोस्तों, जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है, चाहे कोई भी हमारा तत्व या धातु जो होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना हमारा कहलाता है अपचयन, अपचयन। तो दोस्तों, ये हमारा अपचयन है गया। यहां पे मानक अपचयन विभव का मान हमारा दे दिया गया है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो होगा, इसके संपर्क में रखा है तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड का विभव पूछ रहा है, यानी कि सेल विभव का मान। और दोस्तों, यहां से अगर हम देखें तो कॉपर जो है ना, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दो इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो फार्मूले को हम यहां पे लिख देते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस, अब इसमें मानक दे दिया ना, तो मानक के लिए जो हमारा ताप होता है वो फिक्स होता है, तो यहां पर लिखेंगे 0.0591 अपान यन, और यहां पर हो जाएगा लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। और दोस्तों, यहां पे हमको इसकी सांद्रता लिखनी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सांद्रता के। दोस्तों, यहां से सबसे पहले हम के का मान लिखते हैं और यन का मान। दोस्तों, यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि दो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है कॉपर, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर साली, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ग्रहण हुए, कितने त्याग गए, इसकी वैल्यू होती है, तो यन इक्वल टू हमारा मिल गया वैल्यू 2। अब यहां पे क्या हुआ कि के जो है ना, इसकी सांद्रता दी गई है, तो सबसे पहले हम बता दें कि के इक्वल टू हमारा होता है
कि प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट और उसकी सांद्रता के साथ लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे क्या बना, कॉपर। हम बताया था कि सॉलिड वाले मान को नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे इसकी सांद्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटे में के इक्वल टू एक बटे में, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया जाएगा ना यहाँ पे सांद्रता, तो इसका मान एक हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉपर है सीयू पे टू प्लस, इसकी सांद्रता यहाँ पे दी गई है कितनी, 0.1। कितना दिया गया है, 0.1 मोलर। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता रिएक्टेंट का रखेंगे 0.1 मोलर। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसकी सांद्रता दी गई है। अब दोस्तों ये मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, और यहां से हमको पता है कि ई सेल का मान यहाँ पे हमने दिया गया है यहाँ पे, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए तो यहां से हमको मिलेगा कि ई सेल इक्वल टू, यहां से मिलेगा हमको ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का मान हमको दिया गया है 0.34 वोल्ट माइनस 0.591 अपान, यहां से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन के जगह पे हम लिखेंगे दो। तो दोस्तों यहाँ पे एन के जगह पे हमने दो लिख दिया, और यहाँ पे लॉग बेस 10 और के का मान हम लिखा 1 अपान 0.1, तो यहाँ पे रख देंगे 1 अपान क्या हो जाएगा 0.1। दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे दोनों में ही क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको कि ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस, दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो इसको, दोस्तों यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, इसका मान होता है 0.0591। दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 0.0295, इसका मान हमको ये मिलेगा, निकल के आएगा। और दोस्तों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा लॉग बेस 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोस्तों ये तो 10 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1। तो ये हमारा मिलेगा क्या 10 अपॉन 1, यानी कि लॉग बेस 10 ही मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लॉग बेस 10 का मान होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग बेस 10 और 10 का मान होता है हमारा 1, तो यहाँ पे इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहां से हमारा जो मान निकल के आएगा मिलेगा ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस, यही मान मिल जाएगा जब इसका गुणा करेंगे, एक मिलेगा इसका मान, हो जाएगा 0.0295 × 1, इसका मान क्या हो गया पूरे का 1, यानी कि इस पूरे का मान हमारा क्या मिला 1, यहां से मिल गया। तो हम इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो वही संख्या हमको फिर से मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पे हम इसको देख लेते हैं, तो यहां से मिलेगा हमको ई सेल इक्वल टू मिलेगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.0295, इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो इसको जब हम घटाएंगे ना दोस्तों तो मिलेगा मान ई सेल इक्वल टू, इसको यहां पे हम घटा देते हैं, देखिए ये हमारा हो गया 0.34 और ये हमारा क्या मिला कि 0.0295, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे दो जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 में से 5 को निकालेंगे तो मिलेगा 5, यहाँ पे 9 में जाए 0, ये हमारा हो जाएगा 3, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाए तो कितना मिलेगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा 0। तो दोस्तों इसमें जो हमको निकल के मिलेगा मानना मिलेगा कि पॉइंट, दो स्थान तक दशमलव के मान को रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.31 वोल्ट, जो इसका मान निकल के आया यही मिलेगा, और ये मान किसका होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना मिल गया 0.31 वोल्टेज। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए,
और अगर स्क्रीनशॉट अगर वीडियो देख रहे हैं तो ले लीजिए। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों यहां पे लिखा गया है कि जिंक की एक क्षण, ठीक है ना, जिंक की एक क्षण है जो जिंक सल्फेट के 0.1 मोलर विलयन में क्या हुई है, डूबी हुई है। यदि इसका जो है ना ई नॉट जेडीएन पे 2+ और क्या हो रहा है कर्मोट्रैकिस में जेडीएन सॉलिड में, तो इसका जो है हमको विभव दिया गया है, मानक सेल विभव जो दिया गया है ना, यहाँ पे मानक सेल विभव जो दिया गया है माइनस का 0.76 वोल्ट दिया गया है। तो और कह रहा है कि और ताप जो है 298 केल्विन हो तो जिंक का विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको मान दिया गया है कि ई नॉट जेडीएन पे 2+ और यहाँ पे जेडीएन बराबर माइनस का 0.76 वोल्ट पहला मान हमको दिया गया, यानी कि हमको मान दिया गया किसका, ई नॉट सेल का। ये किसका मान हो गया हमारा, ई नॉट सेल का, ये मान हमारा किसका हो गया, ई नॉट सेल हमको दिया गया है। और दोस्तों ये अभिक्रिया आप लोग यहां से देख सकते हैं कि जिंक पहले किसमें है 2+ में, फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, जिंक में, यानी कि पहले एक्वस था कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉलिड में। अब दोस्तों यहाँ पे पहले अभिक्रिया लिखेंगे और यहाँ पे ताप दिया गया है 298 केल्विन। तो दोस्तों हमको पता है कि 298 केल्विन जो ताप होता है वो एक मानक ताप होता है, और इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ताप होता है मानक ताप 298 केल्विन, जो प्रेशर होता है 1 एटीएम होता है, और जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है 1 मोलर। इसी प्रकार से ताप हमारा जब इतना दे दिया है तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। तो पहले हमारा जिंक क्या था, एक्वस था, और इसने क्या किया 2+, एक कॉस 2+, और उसके बाद से इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्या किया जेडीएन बनाया सॉलिड में। तो ये हो गई इसके लिए अभिक्रिया। तो दोस्तों इस पे हुआ क्या, इस पे घटना हुआ हमारा किसका, अपचयन का, अपचयन का। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि जो भी मान हमारा यहां पे दिया है ना वो किसका दिया गया है, मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है। तो दोस्तों यहां से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमको ज्ञात करना है जिंक का विभव, यानी कि सेल विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहां से सेल विभव का फार्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का मानक ताप के लिए जो हो जाएगा 0.059 अपॉन एन इंटू क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 और के। ये होता है फार्मूला हमारा, और इसी फार्मूले पे ये जो हमारा सवाल है हल होगा। देखिए यहां से जिंक क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बनाया जिंक सॉलिड। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाया जिंक सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो हमने बताया था यन जो होता है चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो चाहे त्यागे जाए उसका मान सिर्फ क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे। तो यहां से यन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहां पे जो है हमने यन इक्वल टू 2 तो लिख लिया, और यहाँ पे जो जिंक 2+ है ना इसकी सांद्रता दी गई जेडन पे 2+, इसकी सांद्रता दी गई 0.1 मोलर। तो इसकी सांद्रता यानी कि जेडन की जो सांद्रता दी गई है ना, यानी कि रिएक्टेंट, ये हमारा किसमें है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता दी गई यानी कि R इक्वल टू हमको दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है रिएक्टेंट की सांद्रता 0.1 मोलर। दोस्तों यहाँ पे सॉलिड जो होता है इसकी कोई सांद्रता होती नहीं है, इसीलिए हम सीधे इसको क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों ये जो मान निकलेगा ना हमारा k का मान निकल के आएगा, और k का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे k इक्वल टू हमको पता है होता है कि प्रोडक्ट की सांद्रता बटा रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता जो बना है हमारा क्या हो गया 1 अपान रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो 0.1 मोलर। देखिए यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पे रख देंगे 0.1, और यहाँ पे सांद्रता है तो इसको कंसंट्रेशन के आधार पे लगा देंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 और कंसंट्रेशन ऑफ 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हुए, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया इसका मान। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है जिंक पीएच को जेडीएन, तो हमको नहीं लेना है इसको,
यहाँ पे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोना पड़ता है। तो इससे हमको नहीं मतलब, मतलब हमको बस इससे कि जिंक की छड़ को डुबोया गया 0.1 मोलर के विलयन में, इसके इसके मान को हमको रखना है यहाँ पे, तो इसमें हम मान को रख दिए जो विलयन का मोलर था। अब देखिए यहां से जो हमारा मान निकल के आएगा ना, सीधे मान पुट करते हैं तो ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल का मान हमको दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का 0.7 ई सेल, ई नॉट सेल का मान हमको कितना दिया गया है, माइनस का 0.76 वोल्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ई सेल ई नॉट सेल का मान 0. ठीक है ना, इतना मान दिया गया है 0.76 वोल्ट। अब दोस्तों माइनस होता है यहाँ पे 0.0591, ठीक है ना, यहाँ पे वन भी होता है 0.0591। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यन का मान यहाँ से रख लेंगे, तो यन इक्वल टू कितना है 2 log base 10, और यहाँ से हम के का मान रखेंगे, तो यहाँ से हमने के का मान यहाँ पे निकाला है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.1। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो मान मिलेगा हमको ई सेल इजकल टू माइनस का 0.76 वोल्ट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस 0.0295, इतना मान इसका मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करते हैं यहाँ पे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 लॉग हो जाएगा लॉग बेस 10, और यहाँ पे 10 अपान क्या मिलेगा इसको 1। और दोस्तों लॉग लॉग बेस 10 और 10 का मान होता है हमारा क्या 1, तो दोस्तों ये हमारा क्या मिला लॉग बेस 10 और 10 मिला, तो इसका मान सीधे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो दोस्तों इसमें गुणा हो जाएगा किसका 1 का, देखिए मिलेगा यहाँ पे ई सेल इजकल टू माइनस का 0.76 वोल्ट माइनस 0.0295 इंटू 1, यहाँ पे मिलेगा ई सेल इजकल टू माइनस का 0.76 माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो 0.0295। अब इन दोनों को क्या करें, माइनस माइनस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ई सेल इक्वल टू मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 0.07895। अब दोस्तों यहाँ पे 7895 है, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं कि ई सेल इजकल टू माइनस का 0.79 वोल्ट, तो ये हमारा निकल के आया यहाँ से इसका मान, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं इतना वोल्ट इसका मान निकल के आएगा दोस्तों, दोनों में से कोई भी उत्तर हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, तो दोस्तों जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, और जो वीडियो देख रहा है उसको स्क्रीनशॉट कर सकता है इसको, और दोस्तों नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम अगले प्रकार के प्रश्न को, और दोस्तों ये प्रश्न जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना हमको जो है जो अब तक हम पढ़ते चले आए हैं उसमें जो हमारी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे इस प्रश्न से। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें दिया है कि मानक सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए, मानक सेल विभव यानी कि हमको कहा है कि ई नॉट सेल का मान ज्ञात कीजिए, और ई नॉट सेल इजकल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। धनंजय देखो बाबा तो पूरा ना हुआ ले, अब मैं मुख कट कर ले ओकर उधर ना होता वहां ले आओ था ना, पूरा पूरा आ गया ना, चलो ठीक है जा बेटा। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे E नॉट सेल का मान ज्ञात करना है, और E नॉट सेल का फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और हमको पता है कि इन दोनों के केस में जो होता है मान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का
रिएक्शन पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मानक अपचयन विभव। तो यहां पे जो भी मान लेंगे हम मानक अपचयन विभव का लेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि यदि E नॉट जिंक से, देखिए जिंक से हमारा ZN पे 2 बन रहा है और यहां पे जो हमारा वोल्टेज दिया गया है 0.76 वोल्ट, तथा E नॉट Cu पे 2 प्लस से Cu और यहां पे दिया गया है कि प्लस का 0.34 वोल्ट। तो हमने बताया है कि यहां पे जो भी मान लेंगे हम रिटक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव का मान लेंगे, लेकिन यहां से देखा जाए तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ZN पे 2 प्लस बना रहा है, यानी कि यहां पे घटना हो रही है ऑक्सीकरण की। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखेंगे, पहले प्रश्न को यहां हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, तो यानी कि पहले लिखेंगे इस वाले को, हम डायरेक्ट समीकरण को लिखते हैं। तो यहां पर जिंक जो है ना दो इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है और यहां पे बना रहा है ZN पे 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका जो वोल्टेज है यहां पर कितना है 0.76 वोल्टेज, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि घटना हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की घटना हो रही है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। लेकिन हमने बताया था कि जब मान ज्ञात करना होता है तो मान रखते किसका, मानक अपचयन विभव का। तो दोस्तों मानक अपचयन विभव का मान रखने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि ZN पे 2 प्लस को हमको किससे एक्वा से सॉलिड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ZN पे 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा क्या ZN। अब दोस्तों जो हमारा ये विभव होगा ना इसका मान चेंज होगा और ये मिलेगा हमारा माइनस का 0.76 वोल्टेज। तो दोस्तों समझ में आया कि यहां पे हमेशा मान किसका रखेंगे, चाहे वो एनोड का केस में हो चाहे कैथोड के केस में हो, ठीक है ना, कैथोड हो चाहे एनोड हो, उसमें मान रखेंगे सीधा रिडक्शन पोटेंशियल का। तो हमने यहां पे हमको दिया गया है कि ऑक्सीडेशन यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका दिया था ना, तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल ग्रुप में चेंज करेंगे तब जाके उस फार्मूले में मान रखेंगे तब हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। और दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पे सीयू पे 2 प्लस है और सीयू में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हुआ कि कॉपर जो है पहले तो 2 प्लस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाया यहां पे Cu, ठीक है ना। तो यहां पे जो मान दिया गया है 0.34 वोल्ट, ये प्लस का दिया गया है, तो इसमें जब मान देखेंगे ना तो हमारा किसका अपचयन विभव का मान दिया गया है, मानक अपचयन विभव का। तो यानी कि ये हमारा मान सही है और ये हमने मान को निकाल लिया यहां से इस समीकरण से। तो यहां पर मान रखेंगे ना तब हमारा मिलेगा करेक्ट उत्तर। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट कैथोड, तो कैथोड का कार्य कौन करेगा हमारा, यहाँ पे इसका प्लस चार्ज था तो ये हमारा कैथोड का कार्य करेगा, ये किसका कार्य करेगा कैथोड का। तो यहाँ हो जाएगा 0.34 वोल्टेज माइनस, अब इसका हमने निकाल लिया कि मानक अपचयन विभव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे निकल के आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, ये मान मिलेगा हमारा, देखिए ये माइनस साइन दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा ना यहां पे कि ई नॉट सेल इक्वल टू, इसको जोड़ देते हैं तो देखिए 6 और 4 मिलके होगा 10 हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 7 और 3 मिलके क्या होगा 10, तो 10 और वहां पे 1 तो हो जाएगा हमारा 1, तो यानी कि हमारा क्या मिलेगा 1.1 वोल्ट, 10 वोल्ट जो होगा हमारा निकल के आएगा मानक सेल विभव का मान। तो यहां से हमने क्या किया, मानक सेल विभव का मान निकाल लिया। तो दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं, सबसे पहले यहां पे दिया है यदि जिंक, ठीक है ना, यानी कि इसके मानक, अब यहां पे देखिए मानक यहां पे दिया है ऑक्सीडेशन विभव का मान, यहां पे हमको रखना है किसका मान, मानक अपचयन विभव यानी कि मानक रिडक्शन का मान। तो हम इसको सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, तो यहां पे जिंक जो है त्याग करा इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पे हमको रखना है रिडक्शन पोटेंशियल का मान, तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में चेंज करेंगे तो सीधा साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज होगा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एनोड का कार्य करेगा और ये जो हमारा है कैथोड का, क्योंकि देखिए इसके अपचयन तो पहले से हो रहा है, इसका चार्ज प्लस में है।
तो यहाँ पे मान रख देंगे और जो हमारा मिलेगा विभव वही क्या हो जाएगा इसका मानक सेल विभव। तो ये किसके लिए पहले वाले प्रश्न के लिए मानक सेल विभव का मान हो गया कितना 1.10 वोल्ट। तो दोस्तों अगर इसको नोट करना हो तो कर लीजिए और जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा के फिर ये दूसरा सवाल को बताता हूं। तो दोस्तों देखिए दूसरे सवाल को, दूसरा भी सवाल ठीक इसी प्रकार से दिया गया है। यहां पे क्या किया है, जो हमारा निकिल है ना एन आई, इसने दो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और बनाया है क्या एन आई पे टू प्लस, और ये हमारा किस में होगा एक्वस में होगा, प्लस इसने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसका विभव दिया है 0.25 वोल्ट। लेकिन यहां पे घटना किसकी हो रही है, घटना आक्सीकरण की हो रही है। हमको मान किसका रखना है मानक अपचयन विभव का, तो हमको इसको अपचयन में चेंज करने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा इसको इधर लाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि एन आई पे टू प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बनाया क्या एन आई निकिल। अब इसका जो मान होगा ना चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस का 0.25 वोल्टेज। इसके बाद से हमारे दिया है सिल्वर, जो सिल्वर है ना इसके लिए दिया है कि सिल्वर जो 2Ag है ना 2Ag पे प्लस चार्ज, इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बनाया क्या हमारा 2Ag। यहां पे तो मान दिया है हमारा किसका मानक अपचयन विभव का है 0.80 वोल्ट, ये प्लस का होगा। अब दोस्तों यहां पे हम क्या करिए इसके मान को भी चेंज कर लिए, अब सीधे इस फार्मूले रखेंगे इस फार्मूले में, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सीधे इसके मान को चेंज किया, अब डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो दिया है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, तो कैथोड हमारा क्या है 0.80 वोल्टेज। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि E नॉट सेल इक्वल टू ये कैथोड है तो इसका मान रखिए 0.80 वोल्ट माइनस एनोड का मान, यहां पर हम रखेंगे एनोड का मान हमारा कितना मिला माइनस का 0.25 वोल्ट। यहां पे मिलेगा ई नॉट सेल इक्वल टू यहां पे 0.80 वोल्ट माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 0.25 वोल्ट। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां से हम जोड़ के इसको इधर लिखते हैं तो मिलेगा ई नॉट सेल इक्वल टू जोड़ दीजिए तो यहां मिलेगा 5 और 82 होता है 10 को लिखेंगे 0.1 यानी कि 1.05 क्या मिला वोल्टेज इन दोनों के बीच का क्या मिला मानक सेल विभव। तो दोस्तों ये भी सवाल हमारा क्या हुआ ठीक इसी प्रकार से हुआ। तो दोस्तों अगर इसको भी जो नोट करना चाहता है नोट कर ले, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि और लोग वीडियो को देख के कुछ सीख सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।